अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर है और आप देख रहे हैं जहांगीर डेली वर्कआउट। तो आज है संडे और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पूरी जो मैंने पिछले वीक में जो मील ली है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। होप आप लोगों ने जो है पूरी वीक की एक्सरसाइज देखी होगी, चेस्ट से लेके लेग्स तक कि हमने क्या क्या परफॉर्म करा है, क्या क्या गलतियाँ करते थे लोग, उसका सही तरीका क्या है। आज की जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं तीन जो है ना वो मील लेता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर मुझे भूख लग जाए तो मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स खाता हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। और इस मील का जो मकसद है वो ये है कि जो मेरा जो फैट है सिर्फ वो कम हो, मेरा मास जो है, जो मेरा मसल है वो कम ना हो। तो चलते हैं। अच्छा, तो हम बना रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो है हम पहले चार अंडे लेंगे, चार अंडे हैं हमारे पास और उसमें थोड़ा सा हमारे पास मशरूम है और थोड़ा सा हमारे पास प्याज है, इसमें फिर हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। चार अंडों में हम सिर्फ तीन अंडों में जो है जर्दी निकाल लेंगे और एक अंडे में जो है हम जर्दी रहने देंगे। तो अब बनाते हैं नाश्ता। ये एक मैंने से पूरी जर्दी डाल दी और बाकियों में कोशिश करेंगे जर्दी अंदर ना डाले। मिक्स करने के बाद ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसी में ऐड कर देंगे। बाकी ये दोनों चीज़ें भी मशरूम और प्याज। हम आ जाएंगे इधर। अच्छा, इसके लिए हमारे पास स्प्रे, ठीक है, ये जो है नॉन स्टिक स्प्रे है ज़ीरो फैट के साथ। तो इसमें हम करेंगे क्या, थोड़ा सा कहीं से भी आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगा, देख लें। इसमें हम हल्का सा स्प्रे करेंगे और इसके बाद इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐसे बनाया है कि आप लोगों को टेस्ट में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। हमारे पास है ब्राउन ब्रेड, मैं जो हूँ वो चार पीस खाता हूँ, आप लोग जितने भी खाते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और अंडा हमारा बन रहा है, हल्का सा इसको जो है ना हम सेक लेंगे एंड में कि खाने में थोड़ा अच्छा लगे। हो गई है शाम और हम बना रहे हैं शाम की डाइट। शाम की डाइट थी हमारी कीमा और राइस। तो कीमे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम ले रहे हैं प्याज, तो उसके साथ साथ हम ले रहे हैं टमाटर, ये है साबुत गरम मसाला और दही, यहाँ पर है लहसुन है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा ऑयल है और यहाँ पर मैंने दिया है 300 ग्राम कीमा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कीमा 300 ग्राम। ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ ना वो रेसिपी कुक बन चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब बना बनाया मुझे मिला है। अब हम बनाते हैं कीमा। ये मेरा हो गया है बीफ कीमा तैयार, बीफ के साथ राइस है। अभी ये डाइट लूँगा, उसके बाद जिम आने के बाद फिर डाइट लूँगा अपनी चिकन और राइस। तो मिलते हैं फिर रात की डाइट के साथ। ये तो मैंने अपनी बीफ वाली जो रेसिपी है वो खा ली है। अब मैं जो होना वो जिम जाने से पहले अपनी दूसरी डाइट तैयार करके जा रहा हूँ पहले से। ये मैंने लिए है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, इसको मैं मैरिनेट कर रहा हूँ कि मैं जब जिम से आ जाऊँ तो ये जो है ना फिर मैं उसको बना लूँ। जिम के आने के बाद एक घंटे बाद जो है ना मैं ये डाइट लूँगा। तो मिलते हैं बाद में। जिम से आ गया हूँ और ये है हमारी आज की लास्ट मील, बोनलेस चिकन और राइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। क्या डाइट हम फॉलो कर रहे हैं वीकली, पूरी वीडियो आपने देखी होगी। और जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा वो लाजमी करें, उससे मुझे मिलेगी मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।